अध्यक्ष महोदय, मैं बेहद गर्व के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ ये निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए खोपड़ी नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग सक्रिय और उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। सीमित संसाधन के बावजूद हमारी 5 टीमें प्रधानमंत्री वंदे भारत मिशन के तहत मई 2020 से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कोविड-19 में स्कैनिंग के लिए तैनात है। प्रत्येक टीम में डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और मोबाइल एंट्री उसमें शामिल है। विभाग की ANM और लेडीज हेल्थ विजिटर्स कोविड-19 निगरानी टीम के तहत घर घर जाकर कोविड के मरीजों की मदद कर रही हैं, उन्हें जरूरी सलाह और आइसोलेशन मानकों से परिचित करा रही हैं। विभाग द्वारा कोविड मरीजों को जरूरी दवाइयां और ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही कोविड-19 से बचाव और निवारक उपायों के बारे में नागरिकों को जागरूक भी किया जा रहा है। जगह जगह पर बने आइसोलेशन सेंटर में आए मरीजों को उचित देखभाल की जा रही है। स्वामी दयानंद अस्पताल निशाद गार्डन में कोविड-19 जांच केंद्र भी संचालित किया जा रहा है, जहां रोजाना 900 से 1000 एंटीजन टेस्ट होते हैं और 100 RT-PCR टेस्ट भी किए जा रहे हैं। स्वामी दयानंद अस्पताल हमारा एकमात्र अस्पताल है। पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल व राजीव गांधी अस्पताल को दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 अस्पताल बनाए जाने के कारण पिछले वर्ष स्वामी दयानंद अस्पताल पर दबाव और अधिक बढ़ गया। स्त्री रोग इमरजेंसी प्रसव विभाग और मुख्य कैजुअलिटी के कार्यभार में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई। अस्पताल द्वारा पहले रोजाना औसतन 10 से 20 डिलीवरी की जाती थी, जो कि अब बढ़ाकर 50 से 60 हो गई है। स्वामी दयानंद अस्पताल कोविड की शुरू से ही अपने कार्यभार को सफलतापूर्वक प्रबंधन के साथ साथ नागरिकों की अधिकतम सेवा भी कर रहा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में उपलब्धियां 2,40,00,000 रुपए की लागत से नए ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक का निर्माण कर जनता को समर्पित कर दिया गया है। पुराने ब्लॉक के सुदृढ़ीकरण तथा मरम्मत का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। अस्पताल परिसर के विभिन्न विभागों और क्षेत्रों में 62 CCTV कैमरे लगा देने से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। अस्पताल में 2 विशिष्टताओं में D&B पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और परिणाम 80% से अधिक रहा है तथा GNM पाठ्यक्रम के लिए 2020-21 में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अगले वित्त वर्ष की योजनाएं BNC नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव प्रक्रिया अधीन है। मॉड्यूलर OT का निर्माण का प्रस्ताव प्रक्रिया अधीन है। विजन 2020 के तहत दिल्ली सरकार से निधि उपलब्ध होने पर फेस 1 के अंतर्गत 100 बिस्तरों वाले आपात कारखंड के निर्माण का व फेस 2 के तहत चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने की योजना भी प्रक्रिया अधीन है। विजन 2020 के तहत पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत राशि आज तक दिल्ली सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध नहीं कराई गई है। बड़े बड़े विज्ञापन छपवा कर अपने को दिल्ली का बेटा बताने वाले मुख्यमंत्री केवल कागजों पर काम करते हैं। धरातल पर अनेक सेवाएं योजनाएं उनके द्वारा वित्तीय सहायता न उपलब्ध कराने का कारण ठप पड़ी हुई है। दिल्ली सरकार केवल विज्ञापन की सरकार है। अगर सरकार को दिल्ली की जनता की तनिक भी चिंता होती तो स्वर्गीय वित्तीय राशि निगम को उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के प्रति प्रगति प्रदान करती। फोटो खिंचवाने में 1 सेकंड लगता है मुख्यमंत्री जी, लेकिन इमेज बनाने में जीवन बीत जाता है, इसलिए फोटो खिंचवाने पर कम ध्यान दीजिए और इमेज बनाने पर ज्यादा। चिकित्सा एवं क्षय रोग विभाग डॉक्टर स्वामा प्रसाद मुखर्जी चेस्ट अस्पताल में वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था, ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर लैब का उन्नयन एवं अस्पताल परिसर में CCTV कैमरे लगाने का कार्य सराहनीय है। मातृत्व एवं शिशु कल्याण केंद्रों द्वारा प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, रक्त की कमी, शिशु क्लिनिक, यूनिवर्सल एमोनाइजेशन, मलेरिया पहचान, गर्भवती माताओं व 5 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क दवाइयों की आपूर्ति तथा अन्य बुनियादी सेवाएं प्रदान की जा रहा है तथा साथ ही विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे पल्स पोलियो कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम इत्यादि का भी क्रियान्वयन किया।
किया जा रहा है। पस्तुतिक गृह चांदीवाला का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जो अतिशीघ्र जनता को समर्पित किया जाएगा। जन स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उपयुक्त पंक्तियों को जन स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया कर्मियों ने अपने कार्यशैली के द्वारा कोलाकार में सिद्ध किया है। महोदय, COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए मलेरिया कर्मचारी द्वारा संक्रमित व क्वारंटाइन जगहों में जाकर सैनिटाइजेशन तथा कूड़े उठाने का काम किया गया। संक्रमित होने के खतरे के बावजूद अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हमारे कर्मचारियों ने बहुत ही साहसपूर्वक एवं प्रशंसनीय कार्य किया है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना योद्धाओं को पीपी किट, ग्लव्स, सैनिटाइजर और मास्क आदि उपलब्ध कराने में हमें DRDO, रेडक्रॉस, कई NGO, फाउंडेशन और संस्थाओं ने भरपूर मदद दी। अभी तक कोरोना योद्धाओं को 43,075 दस्ताने, 1,27,000 मास्क, 1,224 पीपी किट, 5,103 सैनिटाइजर की बोतल, 2,043 लीटर सैनिटाइजर, 11,270 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर तथा 1,990 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। करीब 5,00,000 क्वारंटाइन घरों तथा 19,00,000 शिकायतों के माध्यम से घरों के बाहर व उसके आसपास के क्षेत्रों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा चुका है। विभिन्न माध्यमों से होर्डिंग, मैक्रो डिस्प्ले बोर्ड, हैंडबिल तथा फ्लैक्स बैनर द्वारा COVID-19 के बारे में जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों से सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश का पालन करने व कोविड महामारी से बचाव के उपायों के बारे में बताया जा रहा है। मच्छर जनित व जल जनित बीमारियों की रोकथाम। मलेरिया कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा उपरोक्त बीमारियों की रोकथाम के लिए किए गए निरंतर प्रयासों की वजह से इस वर्ष डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के मामले में अप्रत्याशित कमी आई है, जो कि प्रशंसनीय है। हेल्थ एवं ट्रेड लाइसेंस। महोदय, COVID-19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस नवीनीकरण के लिए जुर्माना नहीं वसूला गया और बिना जुर्माने के लाइसेंस के नवीनीकरण की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है एवं स्वास्थ्य व्यापार के रेगुलेशन हेतु हमारी योजना ऑनलाइन लाइसेंस सिस्टम के माध्यम से लाइसेंस लेने में आने वाली समस्याओं का सकारात्मक रूप से समाधान करने की है। साथ ही FSSAI एवं दिल्ली सरकार की शर्तों तथा वेंडिंग समिति की पहल के अनुसार सड़क खाद्य विक्रेता के लिए लाइसेंस परिधि का विस्तार करने की योजना है। शमशान घाटों एवं कब्रिस्तानों का विकास एवं प्रबंधन। महोदय, कोरोना महामारी के मद्देनजर शमशान घाटों व कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार और दफनाने की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। करकटुमा व गाजीपुर शमशान घाट में CNG आधारित परियोजना पर कार्य चल रहा है। धर्मशिला और अनुसंधान फाउंडेशन के द्वारा CNG आधारित इकाइयां दान में दी जा रही हैं। साथ ही कब्रिस्तानों में 5 फीट मिट्टी बिछाने से शवों के दफनाने की क्षमता में विस्तार हुआ है। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण मृत्यु का ऑनलाइन पंजीकरण। जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं के पंजीकरण के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें नागरिकों को निगम कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। वे स्वयं अपना पंजीकरण, नामांकन, गलती सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। साथ ही पंजीकरण को आधार से जोड़ने की भी पहल की जा रही है। पशु चिकित्सा सेवाएं। रैबिस को रोकने के लिए एंटी रैबिस वैक्सीन की सुविधा शारदा पॉलीक्लिनिक व स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में उपलब्ध है। आवारा कुत्तों को और आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए 2 नए ट्रक खरीदने एवं विभाग अधिक डॉग सेटेलाइजेशन एवं टीकाकरण सेंटर बनाने के लिए प्रयासरत है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है,
कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। स्वा